नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल प्रदेश की न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की छोटी और बड़ी खबर पर। जबलपुर के माड़ोताल थाना प्रभारी श्री विपिन ताम्रकार ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी पनागर संभाग श्री अभिषेक सिंह के निर्देश पर खजरी खिड़िया में बने कबाड़ियों के गोदामों की चेकिंग दौरान NI ट्रेडर्स, जहां लोहे, प्लास्टिक के कबाड़ एवं अन्य प्रकार के कबाड़ रखे हुए थे, उन्हीं के बीच में 3 ड्रम जिनमें लगभग 300 लीटर डीजल भरा मिला। पूछताछ पर इरशाद अहमद से डीजल रखने के संबंध में दस्तावेज मांगे, जो नहीं होना बताया। गोदाम के आसपास अन्य वेयर हाउस एवं कबाड़ का गोदाम है। इतने अधिक ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण से जान माल की हानि हो सकती है एवं लोगों के जीवन में संकट उत्पन्न हो सकता है को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी इरशाद के कब्जे से 300 लीटर डीजल जब्त किया गया। कल प्रशासन की और पुलिस टीम है, इसमें मैं भी था, CSP साहब भी थे। पनागर और आधारताल क्षेत्र के लगभग 18 जो भी स्क्रैप गोदाम है उनमें हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया, जहाँ वहाँ फायर सेफ्टी के नाम से नहीं थे उन्हें अवगत करा के फायर सेफ्टी कंप्लीट किया जाए। और एक जो गोडाउन था उसमें अवैध रूप से डीजल रखा हुआ था, जो कि सीधा सीधा उल्लंघन था नियमों का, संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। सर, लगभग ऐसे कितने गोदाम मिले थे जिसमें अनियमितताएं पाई गई थी? एक गोडाउन पर हमने FIR करवाई है और जितने लगभग 17 गोडाउन है उनमें फायर सेफ्टी के नाम का पालन पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो उनको भी नई तरीके की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये ब्लास्ट के कारण कार्रवाई हुई है कि आगे भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी? जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि हमारे शासन में लगातार कहीं ना कहीं औचक निरीक्षण किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी जो भी असुरक्षात्मक चीजें हैं उन पर नजर रखी जा रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रदेश की न्यूज। अपने फोन पर सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रदेश की न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।